और बात एक और गंभीर समस्या प्रदूषण की। प्रदूषण की मात्रा दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में दिन के समय PM 2.5 का स्तर 393 दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 6 गुना ज्यादा है। वहीं दिन के समय भी आसमान में हल्की हल्की स्मॉग देखने को मिल रही है। दिल्ली की आनंद विहार, मदर डेयरी, संगम विहार इलाके में दिन के समय प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जा रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक होता नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जहांगीरपुरी इलाके में और एक वेबसाइट यानी कि DPCC एयर डाटा की माने तो जहांगीरपुरी इलाके में दिन के समय जो प्रदूषण लेवल है वो PM 2.5 तकरीबन 390 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। अभी जो आप नज़ारा देखेंगे तो आसमान में हल्का हल्का स्मॉग आपको नजर आ रहा है, जो कि प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ता हुआ दर्शा रहा है। सिर्फ जहांगीरपुरी की बात ना करें, संगम विहार इलाका हो, आनंद विहार इलाका हो या मदर डेयरी हो, इन तमाम जगहों पर पोल्यूशन लेवल जो है वो 2.5 तकरीबन 370 से 390 के बीच जो है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोपहर के समय इस तरीके का लेवल होना कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल है। अभी सुबह के समय पोल्यूशन लेवल ज़्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब दिन के समय भी जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य के लिए ये चिंता का विषय है। लगातार कई प्रयास किए जा रहे हैं ताकि दिल्ली की हवा को स्वच्छ और साफ बनाया जा सके, लेकिन उन प्रयासों के बावजूद अब दिन के समय भी पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए अब एक चिंता का विषय बन गया है। कैमरामैन मनमोहन के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।